नमस्कार। इस कहानी में बताया गया है, सच बोलने वाला नरक में जाता है, झूठ बोलने वाला स्वर्ग में जाता है। इसका मैं आपको उदाहरण सहित वर्णन कर रहा हूँ इस कहानी का। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में घंटी वाला आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली मेरी कहानी आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, विद्वान और ऋषियों में एक जनसभा हो रही थी। विद्वान जो लोग थे वो ऋषि मुनि से पूछ रहे थे कि हमेशा क्या सत्य बोलना चाहिए, क्या झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। और उनका दूसरा प्रश्न था, क्या झूठ बोलने से पाप होता है या सच बोलने से पाप होता है, हमेशा धर्म के अनुसार बोलना चाहिए। दोस्तों, जो विद्वान थे उनका कोई ऋषि मुनि उसका सही से उत्तर नहीं दे पा रहा था। दोस्तों, कई दिन बीत जाने के बाद में जो धर्म के यमराज हैं, सूर्यपुत्र यमराज, उन्हें बुलाया गया 3 प्रश्नों के जवाब देने के लिए। जब यमराज जी से पूछा गया, क्या बताओ हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्या कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो यमराज बोले कि आपने बहुत ही जटिल प्रश्न पूछे हैं, मैं आपको इनका वर्णन सहित उदाहरण सहित आपको बताता हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए प्लीज। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एक गांव था, उसमें 2 लोग रहते थे। एक हमेशा सच बोलता था, सत्य बोलता था, चाहे उसके प्राण निकल जाएं, मगर वो झूठ नहीं बोलता था। और उधर ही गांव में एक लोग रहता तो वो हमेशा झूठ बोलता था, हमेशा असत्य बोलता था, कभी उसने सच बोला ही नहीं, चाहे कुछ भी हो मगर वो झूठ के अलावा सच नहीं बोलता था, हमेशा झूठ। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक जो कसाई था वो गायों को ले जा रहा था। अब जब शाम हो गई तो उसने कहा, मैं इसी गांव में रुक जाता हूँ, वो ही गांव जिस गांव में झूठ और सच बोलने वाले 2 व्यक्ति रहते थे। उसी गांव में जब शाम हो गई वो लोग रुक गए, जो कसाई थे। तभी उन्होंने गाय वहाँ बांध दी रस्सी से, और गाय बेचारी भूखी चिल्ला रही थी, तड़प रही थी कैसे ही करके कि मुझे छुटकारा मिल जाए गाय, क्योंकि जो बताते हैं अगर तुम्हारे सामने मौत खड़ी हो तो तुम्हें खुद ही डर लगेगा, क्योंकि जब गाय रस्सी तोड़कर भागी, इधर उधर भागी, भागते भागते दोस्तों तो सामने से वो ही व्यक्ति मिल गया जो सच बोलता था। तो कसाई ने उससे पूछा कि ये बताइए भैया, मेरी गाय क्या इधर गई है, जो सच व्यक्ति बोलता था। उसने कहा, भाई गाय इधर ही गई है। जब उधर वो चला गया, उसने कसाई ने गाय पकड़ ली और गाय को मृत्युदंड दे दिया। दोस्तों, जो सच बोल रहा था वो हमेशा सच बोलता था, सच बोलने के खातिर गायों की जान चली गई, जिससे उस पर घोर पाप लदा, घोर अन्याय हुआ। इसीलिए दोस्तों, और जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति था, हमेशा झूठ बोलता था, उधर से गाय गई तो उसने उससे पूछा कि भाई इधर क्या मेरी गाय गई है, तो झूठ बोलने वाला व्यक्ति बोला, नहीं इधर कोई गाय भी नहीं गई, जाओ अपना काम करो जाके। दोस्तों, वो लोग लौट आए क्योंकि उधर गाय गई थी, मगर वो झूठ ही बोलता रहता था, क्योंकि जो झूठ बोलता था उसने गांव की जान बचा ली। दोस्तों, जब दोनों लोगों का ऐसे समय बीतता गया, जब उन लोगों का मृत्यु का टाइम आ गया, तभी यमराज ने अपने दूत भेजे। श्रोताओं, ध्यान से सुनिए इस कहानी में। दोस्तों, हमें हमेशा सच भी बोलना चाहिए और परिस्थितियों पे झूठ भी बोलना चाहिए। दोस्तों, जब मृत्युदंड यमदूत आए दोनों लोगों के प्राण लेके जब यमराज के पास गए, तभी यमराज ने अपने लेखा जोखा, जिसे हर के अकाउंटेंट कहते हैं और कार्यभार संभालने वाले कहते हैं, जो चित्रगुप्त थे, उन्हें बुलाया कि दोनों का लेखा जोखा मेरे सामने पेश कीजिए। लेखा जोखा पेश कीजिए, साहब ये व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता था, कभी झूठ नहीं बोलता था, जो सत्य बोलता था उसने बहुत बड़ा पाप किया है, इसने कई गायों की जान ले ली है, क्योंकि कसाइयों ने इससे पूछा गाय किधर गई है तो इसने बता दिया, इससे हमारी बहुत ही गौ माता की जान चली गई, जिससे घोर पाप का दंड का अधिकार है, क्योंकि जो सत्य बोलता था उसके कारण गाय चली गई, गायों की जान चली गई, और जो झूठ बोलता था वो हमेशा झूठ बोलता था, उसने गाय की
रक्षा की। अब भाई यमराज जी संकट में पड़ गए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों जो लोग कहते हैं कि सच बोलने वाले की हमेशा जीत होती है और झूठ बोलने वाले की हमेशा हार होती है। फिर उन्होंने अपने ब्रह्मा जी का आह्वान किया, यमराज ने, ब्रह्मा जी आए और उन्होंने बताया कि दोस्तों अगर किसी की जान जा रही हो उस समय अगर आपको झूठ बोलना पड़े तो झूठ आपका वो पुण्य में जाएगा। दोस्तों अगर आपका सच हमेशा छिपता नहीं है, सच भी बोलना चाहिए झूठ भी बोलना चाहिए। झूठ दोस्तों अगर कोई भी दुश्मन आपसे कोई राज्य पूछता है, आपके घर के बारे में पूछता है, अगर आप उसे सच सच बता दोगे कि मेरे घर में मेरे माल सोना चांदी यहाँ पे रखा है यहाँ पे रखा है, तो अगले दिन आपके घर पे चोरी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों हमेशा अपने दुश्मन को कभी सच बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आप झूठ बोलोगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप झूठ बोल दोगे वो आएगा ही नहीं, तो आपके पास कुछ नहीं होगा। अगर आप सच बोलोगे तो कहेंगे कि अरे इसके पास बहुत माल है, इसे चोरी कर लेना चाहिए इसके घर पे। दोस्तों इसलिए मैं आपसे कहता हूँ हमेशा धर्म के आधार चलना चाहिए, और जहाँ पे परिस्थिति झूठ बोलने की हो तो वहाँ झूठ पाप में नहीं जाएगा पुण्य में जाएगा, और जहाँ पे सत्य की ज़रूरत हो वहाँ पे सत्य बोलना चाहिए। दोस्तों हमें इसी कहानी से यही शिक्षा मिलती है, दोस्तों जहाँ पे जैसी ज़रूरत हो वैसा ही हमें बोलना चाहिए। फिर झूठ बोलने वाले को दोस्तों स्वर्ग की प्राप्ति हुई और सच बोलने वाले को नरक की प्राप्ति हुई। दोस्तों मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के नहीं, सत्य ही जीवन है, सत्य ही ईश्वर है। दोस्तों हमेशा सच की राह पर चलना चाहिए। दोस्तों झूठ तो हर समय लोग बोलते रहते हैं, मगर कभी सच भी बोल देना चाहिए। दोस्तों अगर मेरे आगे की छुरी रखी हो गर्दन पर, अगर मेरे झूठ बोलने से अगर उसकी जान बच सकती है तो मुझे झूठ बोलना चाहिए, वो पाप नहीं होगा आपका पुण्य में जाएगा। अगर दोस्तों किसी की चोरी हो रही है, अगर आप सत्य बोल दोगे तो आपको पुण्य वो पाप में चला जाएगा। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।